उत्तर प्रदेश की राजधानी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। इस वक्त हमारे सामने जो उत्तर प्रदेश की राजधानी की तस्वीर सामने आ रही है, जहां आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, भूमाफिया के चलते यहां पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और किस तरह से जो है यहां पर पीड़ित से बात करेंगे कि क्या था पूरा मामला। उत्तर प्रदेश की राजधानी के लाल कुएं में हम लोग हैं। ये दादा बताइए क्या हुआ था आपके साथ यहाँ? हम तो घर पे थे, छोटा सा भाई था यहाँ पे, वो चाय बेचता, यहीं पे काउंटर यहाँ लगा हुआ था बगल में, और दो काउंटर है, काउंटर में नगर निगम से आदमी लेके आए, गाड़ी ले मंगाई और पैसे, उसको दो सिलेंडर काउंटर और गले जो पैसे थे लूट ले गए थे पैसे। क्या नाम है उसका? किसका? अब्दुल बान। तो यहाँ पर कितने सालों से वो दुकान? हम यहाँ 35-38 साल हो गए। वो दुकान जो लगाते हैं यहाँ? लगाते दुकान ये यहाँ, हम दुकान लगाते हैं 38 साल हो गए, दुकान लगती की और चाय दुकान लगती है 38 साल हो गए। तो वो क्या यानी कि किस बात को लेकर के लड़ाई होने लगी? हमारा मिथिलेश रानी से केस चल रहा है, विवाद चल रहा है, मुकदमा वो एक तारीख भी आज तक नहीं आई है, और ये फर्जी खड़े होके तारीख लेने लगे वकील को करके खड़ा करके, और इनको कोई वो नहीं, ना इनके पास कुछ है ना कोई कागज है, कागज सब मेरे पास है, मुकदमा हमसे उनसे चल रहा है, और मुकदमा जीत तो ऑर्डर भी हो चुका मेरा, ऑर्डर होने के बावजूद हमने देखिए वो कागज मेरे पास रखे सब हैं, और उसके बाद वकील साहब भी आए थे भी, तो थाने एक दो बार और आए कहीं कि हमारी दुकान यहाँ पे है और मिथिलेश रानी के नाम से थाने पे। तो क्या यानी कि आपको कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? हमारा ये हाथ चोट आई है, पीठ पे आई, जो मारा है डंडा मारा है। पुलिस में इसकी शिकायत? पुलिस गए तो वहाँ कोई पुलिस है नहीं, सुने सब थाने में कोई नहीं, चौकी में पुलिस है ही नहीं, चौकी में पुलिस। चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और लखनऊ कमिश्नर से क्या गुहार लगाना चाहिए? गुहार लगा कि हम यहाँ दुकान लगाते हैं, गरीब आदमी, हम अपने बच्चे पालते हैं, और यहाँ लेके वहाँ से दुकान हमारी केस चल रहा है पीछे सर, और ये जबरदस्ती है, हम लड़के हैं। तो क्या यानी कि कौन था वो जो यहाँ पर आप लोगों के द्वारा जो मारपीट हुई है, किस तरह का? ये अब्दुल बुहान थे, 50-60 लोग लेके आए थे, फूल बाग के लड़के लोग थे, और क्या नाम उनका बताया? अब्दुल बुहान। अब्दुल बुहान यहीं के रहने हैं, रहने वाले सामने बिल्डिंग रहते हैं। इससे पहले भी कुछ कब्जा अब्जा कर? हाँ कब्जा, हाँ वो ठाकुरगंज में कहीं किया था, वहाँ जेल भी जा चुके हैं लोग। और तो अब्दुल मोहान नाम का ये आदमी है, बुहान अब्दुल मोहान, जो यहाँ पर कब्जे पर कब्जा राजधानी में करता जा रहा है, किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी की पुलिस उस पर शिकंजा नहीं कस पा रही है। यहाँ पीड़ित को उसने बुरी तरह से मारा पीटा भी, जिसके बाद वह पहुंचा हुसैनगंज थाने गुहार लगाने के लिए, जिसके चलते वहां पर पुलिस प्रशासन नहीं मिला, जिसे हताश होकर के पीड़ित परिवार लगा रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर से गुहार कि उसे न्याय मिले और भूमाफिया के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स, सच की तह तक। नमस्कार, मैं अमित, इजाजत चाहता हूँ लखनऊ।